वेलकम टू बसरा इंजीनियरिंग सैलून एंड आई एम इंजीनियर फैज़ आलम बसरा। गाइस ऑटोकैड में हम आज एक फैक्ट्री के मुतल्लिक डिस्कस करेंगे, लेआउट प्लान फॉर फैक्ट्री। साइज उसका है 262 फिट बाई 160 फिट, 262 और 160, ठीक है, 262 बाई 160 फिट। तो इसके हम प्लान, एलिवेशन सेक्शंस और इसकी सबमिशन पे डिस्कस करेंगे। चूंकि फैक्ट्री का प्लान वगैरह सारे थोड़े लेंथी होते हैं, तो इसलिए हम इसको दो तीन वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको हमारी वीडियोस पसंद आएंगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास जो जगह है फैक्ट्री के लिए, वो उसके डॉक्यूमेंट्स में या पटवारी ने जो भी वहाँ पे दी होगी फर्द पे, या वैसे जिस तरीके से भी वो पेमाइश करवाते हैं मौके पे पटवारी को बुला के, तो वो उसकी डायमेंशन वगैरह सारी दे के जाता है। यानी ये 262 फिट, इस तरीके से हम इसको लेआउट कर लेंगे। पहले ये लाइन ड्रा की, बार बार हम उसकी सारी लाइन ड्रा करेंगे। और इस तरफ को जो 68 फिट हो गई, इस थोड़ा सा इनसाइड को है, और यहाँ से ये 44 फिट फिर वापस आ जाती है, फिर ये 68 फिट ये आगे को फिर आ जाती है, और ये यहाँ पे इसके साथ टच कर जाती है। और ये जो साइड है ये हमारी फुल साइड है 136। तो हम सबसे पहले हम इसका एक एक लाइन ड्रा कर लेंगे इसके हिसाब से, और उसके बाद हम इसको 4.5 इंच का। अच्छा, अब ये इसमें ख्याल रखना है कि जो हम बाउंड्री बनाते हैं, किसी जगह पे हम 9 इंच की बना लेते हैं, किसी जगह पे 4.5 इंच की। लेकिन जो हम सबमिशन वगैरह किसी अदारे में जमा करवाते हैं, तो उसका ये रूल है कि जो जो जिन इलाकों पे, यानी जिस एरियाज़ में या जिस बिल्डिंग की छत है, उसकी लाइन का साइज़ डिफरेंट होगा, और ये जिस पे छत नहीं होगी उस लाइन का जो वेट है वो नॉर्मल होगा, ठीक है। यानी जो हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइज़ है या ज़ीरो साइज़ है, इसमें देखें ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है या ज़ीरो साइज़ है, ये हम इस पे रखते हैं। लेकिन नॉर्मल हमारा साइज़ जो है वो डिफ़ॉल्ट पे जो होता है वो ये वाला 0.25 है, जो हमारा एक्चुअली डिफ़ॉल्ट इसका कंप्यूटर का या ऑटोकैड का वो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, जो वो है 0.25 mm, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट में यही होता है। तो लेकिन दूसरी को जो अभी है इसका, हम इसको 0.3 या उससे ऊपर इसको मेंटेन करेंगे। तो इसलिए इससे ये पता चल जाता है कि ये जो एरिया है ये कंस्ट्रक्टेड है, और दूसरा जो है जो जो एरिया पे स्लैब नहीं है उसको हम नॉर्मल उसकी लाइन वेट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सब चीज़ सामने वाजे हो जाती है इसको देखते ही कि कंस्ट्रक्शन किस एरिया में हुई हुई है, ठीक है। ये सारी दीवार है और ये ऐसे ऐसे ये बाउंड्री वाल है, यहाँ से पता चलता है कि ये बाउंड्री है, बाउंड्री वाल है, और यहाँ पे इस तरफ से, और ये इसके अंदर कंस्ट्रक्शन हुई है, एक ये जहाँ पे हाल कंस्ट्रक्शन हुई है, और ये, ठीक है। यानी पहले तो हम इसको जो डिज़ाइनर है जो आर्किटेक्ट है वो इसको प्लान बना के देगा, तो फिर वो बाद में कंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन मतलब बाद में आप ड्राइंग जब भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ पे है। इसी तरह हम जब इसको अदारे में जमा करवाएंगे, तो चूंकि उन्होंने इसकी फ़ीस वगैरह लेनी होती है, इसका एस्टीमेट लगाना, तो उनको फ़ौरन पता चल जाता है, और यहाँ से वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये किस किस एरिया में कंस्ट्रक्शन हुई, और दूसरा उसमें साइडों पे कुछ जगह छोड़नी होती है, तो उस वाले से भी उनको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें वायलेशन हुई है या नहीं, ठीक है। तो आइए सबसे चलते हैं सबसे पहले मेन एंट्रेंस की तरफ। तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड जो हमारा है, यहाँ पे गेट बनाएंगे, ठीक है।
अगर गेट ज़्यादा हो तो उसको गेट 1 2 3 गेट का नंबर दे देंगे। अच्छा, ये जो सारा डिज़ाइन वगैरह है ये ओनर की इंसेंटिव से यानी उसकी कंसेंट से उसकी मर्ज़ी से तैयार किया जाता है कि वो कैसे कैसे इसमें कंस्ट्रक्शन कराना चाहता है, स्टेप बाय स्टेप करवाना चाहता है, एक दफ़ा सारी करवाना चाहता है या दो दफ़ा डिज़ाइन करवाना चाहता है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे और इस पर जो इसकी फ़ीस लगती है कवर्ड एरिया की फ़ीस। जो जितना कवर्ड एरिया रखेंगे उतनी उन्होंने इसकी फ़ीस रखनी है लेनी है। तो इस तरीके से कई लोग जो है वो अगर तो पहले उनके पास वाफर पैसा हो तो शुरू में सारी फ़ीस अदा कर देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि वो कहते हैं कि एक दफ़ा फैक्ट्री चला लेंगे, बाद में नई कंस्ट्रक्शन दोबारा अप्रूवल ले लेंगे। या जिस तरीके से अगर आप पहले से ही सारा नक्शा बना लेते हैं तो आपको एकदम ही सारी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ये मतलब सारा एरिया कवर नहीं होता, तो बाद में हम इसमें रिविजन्स में या जैसे ज़रूरत पड़े तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ पे और चीज़ बिल्डिंग और हॉल वगैरह बना लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, यहाँ से हमारा गेट है और ये हम आने जाने के लिए पैदल आने जाने के लिए डोर है 4 फिट का, और ये ट्राले के हिसाब से आपका कौन सा काम है, किस तरह के जहाँ पे आमदरफ्त होगी उसे 10 फुट 12 फुट 14 फुट ऐसे 16 फुट तक भी लोग उधर रख लेते हैं टरने की वजह से। अगर बड़ा ट्राला आना है तो ये आपके कारोबार पे मतलब उस पर डिपेंड करता है कि ऑनर ने यहाँ पे कौन सा कारोबार करना है, छोटी गाड़ियाँ आनी है या आनी भी है नहीं है, या मतलब मजदा वगैरह या कंटेनर भर के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होनी है, तो उस लिहाज से ये इनका साइज़ डिटरमिन किया जाता है कि भाई हम इतना बड़ा रख लें तो साइज़ तो बेहतर है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये जो मेन हमारी होती है कि ऑफिस वगैरह बनाना है। सबसे पहले गेट के पास ऑफिस होता है। अच्छा, तो यहाँ से ये हम इसका ये रूल है, यहाँ पे मतलब ऑफिस बनाया, ऑफिस के ये एंट्रेंस पे वरांडा है, यानी इसको वरांडा कहते हैं या कॉरिडोर कह लें। ठीक है, यहाँ पे वेटिंग है सिटिंग के लिए, कोई भी जो गाड़ी वाले आते हैं या कोई भी माल खरीदने के लिए, ये तो यहाँ ऑफिस है। ऑफिस के अंदर अकाउंटेंट वगैरह या अगर कोई और ऑफिस ऑफिसर बैठना हो तो यहाँ बैठ जाएगा और यहाँ से विंडो से डील करेगा या इसको वैसे लुक आफ्टर कर सकता है। ठीक है, यानी जो भी आता जाता है उसको यहाँ से पता चल जाता है कि कौन इन हुआ कौन आउट हुआ, लेबर को जैसे भी है। अच्छा, इसके साथ ये किचन है, किचन में मतलब चाय शाय बनाने के लिए, ये साथ में बाथरूम और ये स्टोर छोटा सा, तो ये जहाँ ये इसको ये ऑफिस ब्लॉक में आ जाता है। ये शेड जो है ये हम 2.5 फिट वाइड शेड जो है चारों तरफ रखते हैं ताकि बारिश वगैरह से बचाव हो और उसकी खूबसूरती हो। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे हमने पहले से डिस्कस किया जी पे विंडो वगैरह इसमें इंसर्ट करेंगे, और विंडो का साइज़ जो भी विंडो होगी उसके यहाँ से टाइप अलहदा अलहदा एक ही साइज़ किया, तो हम सबका W1 W1 लिखा है, अगर कोई साइज़ चेंज होगा तो। ठीक है, और जहाँ से वरांडा है और डोर्स हैं, डोर्स में देखें जैसे जैसे साइज़ चेंज होगा तो उसका डोर बाथरूम का डोर साइज छोटा होता है इसलिए इसके अलावा किचन का थोड़ा उससे बड़ा, फिर ये वाश मतलब आम जो स्टैंडर्ड है D3 ये 3.5 फुट का, ये 2.5 फुट का और ये 3 फुट का। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। और इस तरफ चलें तो ये यहाँ से ये देखें ये यहाँ पे लाइन नज़र आ रही है, ये वाल है, ये 4.5 इंच की वाल है छोटी, लेकिन ये यहाँ पे एक छोटा सा स्टोर बनाया हुआ ओपन स्टोर है इसलिए इसकी लाइन वेट अलहदा है ताकि पता चले कि ये कवर्ड एरिया में नहीं आता है, क्योंकि फीस वगैरह जो है वो कवर्ड एरिया में मतलब लेते हैं। ठीक है, एस्टीमेट आता है। अब ये जहाँ से ये कवर्ड एरिया इतना है, यहाँ से लॉबी है, यहाँ वर्कर के लिए 3 वॉशरूम बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ से लॉबी, यहाँ से एंट्रेंस होगी और यहाँ पे वॉश बेसिन वगैरह जो भी लगाना चाहें एक दो लगा सकते हैं। ठीक है, ये इसके साइज़ आ गए, और यहाँ से ये यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री की चीज़ों के लिए स्टोर रखा है। ठीक है, कुछ जनरल जो कबाड़ वगैरह जो कोई इस तरह की फालतू चीज़ें हैं उसको स्टोर रख के यहाँ से ये छोटी दीवार कर दी ताकि कोई यहाँ बिल्कुल नज़दीक ना आए, थोड़ा दूर रहे। ठीक है, कोई गाड़ी वगाड़ी वगैरह से दूर रहे। इसके बाद आ जाता है ये यहाँ पे बड़ा गोडाउन है। ठीक है, 40 फिट बाई यानी 40 फिट 6 इंच और 25 फिट। ठीक है, ये गेट 3 यहाँ पे, वो गेट 1 था, ये गेट 3 इसमें। अच्छा, यहाँ पे ये देखें
सबमिशन जहाँ भी हमने जमा करवानी है उसमें ये हाइट वगैरह लिखना ज़रूरी है। तो ये दायरे में जो है ये 16 फीट इसकी छत की हाइट है, ये भी आप मेंशन करेंगे फॉर अप्रूवल्स के लिए। यहाँ आपने अप्रूवल्स लेनी है तो ये चीज़ें साथ में इस तरीके से लिखनी ज़रूरी है। अच्छा, इसके साथ में जहाँ पे पैसेज है गाड़ी गुजरने के लिए, जहाँ से भी ये दूसरा गेट है, ठीक है, ये देखें वाल्स, जहाँ जहाँ भी वाल्स आएंगे अलहदा अलहदा हर जगह पे इसका साइज़ लिखना ज़रूरी है, ठीक है, 9 इंच 9 इंच। और यहाँ से ट्राला आउट भी हो सकता है, इन भी हो सकता है, और मेन गेट उधर से है, लेकिन ये एमरजेंसी एग्जिट भी हो सकता है। और यहाँ पे पैसेज है 15 फिट का, ठीक है, और यहाँ से भी 15 फिट का वाइड है। तो यहाँ पे चूंकि चारों तरफ बिल्कुल खुली जगह है, इसलिए यहाँ पे कोई इसका नक्शा पास करने के लिए इस पर कोई इतराज़ नहीं हो सकता, क्योंकि आमतौर पे वहाँ पे इतराज़ होता है कि चारों तरफ कुछ जगह मतलब काम छोड़ी है जब, तो इसलिए यहाँ पे कोई ऐसी वायलेशन वाली चीज़ नहीं है। और ये साइड पे इसलिए कि जहाँ पे बाहर आउटसाइड पे रोड होगी, क्योंकि जहाँ पे गेट है ऑटोमेटिकली इसकी कि जहाँ पे रोड है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको एंड कर सकते हैं। अगर जहाँ पे रोड ना होती तो फिर हमें बैक साइड पे भी जगह खाली छोड़नी पड़ती, उसको ऑफसेट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाता है ये मेन जो फैक्ट्री एरिया है, इसमें क्या क्या है, जहाँ से आपने एंटर हुए। अच्छा, ये जहाँ से देखें ये डॉटेड लाइन है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कोई गार्डर वगैरह लगा के, या मतलब RCC हो, या स्टील का हो, आयरन का हो, तो यहाँ पे लगा के जहाँ से एंट्रेंस बनाई है, ठीक है, 3 खाने हैं बने हुए। ये सारी चीज़ें हमें एलिवेशन में पता चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ से ये स्टोर आ गया इसका साइज़, और ये हाँ ये पिलर्स हैं, ठीक है, यहाँ से मेन एंट्रेंस अंदर चले गए इधर स्टोर के लिए, और आगे ये इस तरफ ये छोटा एक स्टोर है, मतलब इसमें हॉल वगैरह को मशीन वगैरह लगानी है, जो भी लगानी है। तो ये कॉलम है हमारे RCC, इसका साइज़ लिखा है, ये ब्रेक कॉलम है, यहाँ से ये शो करता है कि ये बल्कि यहाँ पे RCC कॉलम ही है, ये चूँकि सारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए साइज़ इसका ये हो सकता है, लेकिन ये चूँकि कलर नज़र आ रहा है कि ये सारे RCC हैं, तो ब्रेक को हम ऐसे कलर नहीं करते। अच्छा, ये आ गया, यहाँ से अलहदा हाल हो गया, और जहाँ से माल बाहर निकलने की ये मटेरियल बाहर निकलने की लिए यहाँ पे एक डोर दे दिया, और यहाँ पे भी एक उन्होंने स्टोर, यानी यहाँ जो जो माल ऑनर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको हमने डिसाइड कर दिया। यहाँ ये मेन हॉल है, यहाँ से ये डबल स्टोरी होगा, यहाँ पे जो भी उन्होंने मशीनरी लगानी जहाँ पे लगाई है। इसका हॉल का साइज़ 40 फिट 9 इंच और 39 फिट 3 इंच, यहाँ पे भी इसमें। अच्छा, ये भी जहाँ उनकी ज़रूरत के हिसाब से कॉलम आए हैं कि जो मशीनरी का क्या हिसाब है, ठीक है, इसलिए जहाँ पे एक साइड पे, हालांकि जहाँ भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जहाँ ये सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए हैं, और जहाँ पे देखें ये हाइट जो है 14 फुट है, इस छत की हाइट जो है 14 फुट है। यहाँ से स्टोर पे चले गए, और जहाँ पे अंदर अंदर जाके ये सारे और भी रूम वगैरह जो स्टोर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। बाहर की तरफ जाएं तो जहाँ पे एक बरामदा है, जिसको हम कॉरिडोर कहते हैं, ठीक, कॉरिडोर। इसके बाद यहाँ पे 2 रूम्स हैं, ये छोटा रूम बैठने के लिए किसी क्या कहते हैं स्टोर कीपर के लिए, या उसको जो भी है इसको मेंटेन कर रहा है, लुक आफ्टर कर रहा है उसके लिए। और ये जो 2 रूम है यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे कॉर्नर को चूँकि सड़क है तो इसलिए कॉर्नर को यहाँ पे टेपर करते हैं, ताकि यहाँ पे टर्निंग आसान हो और इसको कोई गाड़ियाँ वगैरह ना लगे, इसलिए यहाँ से इसको टर्निंग करेंगे, ये भी रूल है जो फैक्ट्री एरिया में कॉलोनी मतलब उस वर्किंग कर रहे हैं, या उसका अदारा जो भी काम कर रहा है, इंडस्ट्रियल इस्टेट हो या कोई भी हो, तो उसका ये कॉर्नर को आपने टेपर करना है। तो वो वैसे भी वो वहाँ पहले से प्लाट को ही वो टेपर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आदमी को नज़र आए, प्लाट का जो लेआउट होता है उसके अंदर ये पहले से टेपर को दिखा देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये पीछे भी स्टोर है, जो कि फैक्ट्री है, स्टोर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके यहाँ पे आ जाता है, ये तो हो गया सारा ग्राउंड फ्लोर है। इसके बाद आ जाता है फर्स्ट फ्लोर, तो
अच्छा, इसका ये ख्याल रखें कि ये देखें उसी लाइन में हमने रखा है कि ताकि पता चले कि ये फर्स्ट फ्लोर है कितने एरिए पे, किस जगह पे और किस लाइन में है। तो इसी लाइन पे हमने सीधा इसको लाइन ड्रा की, ठीक है, लाइन ड्रा की जहाँ पे भी हमने, तो उसी के हिसाब से उसी दीवार के उसी कॉलम के हिसाब से इसने बांधना है, ये नहीं कि आगे पीछे हो जाए। ठीक है, आप इसको लेयर वाइज भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जहाँ पे हमने इसको शो करना है सारा इकट्ठा, तो इसलिए अलग शो करने की बजाय साथ साथ भी बनाया। मैंने अगर हम लेयर्स पे बनाएंगे तो एक लेयर ऑफ हो जाते तो एक ही नहीं, जहाँ अब तीनों चीज़ें नज़र आएंगी। ये फर्स्ट फ्लोर आ गया, तो जो नीचे वाल बनी है यहाँ पे ये एरिया बना उसी के हिसाब से इसने ऊपर बनना है। तो जहाँ पे क्या है, जहाँ जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं तो यहाँ से इतना एरिया जो सीढ़ी के साथ है ये सारा ओपन है, ठीक है, इसके अंदर मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे मशीन लगी है बड़ी वाली, चूँकि ऊँची होगी इसलिए जो ओपनिंग के अंदर से वो ऊपर तक जाती है। ठीक है, जहाँ से हमने ये बीम ड्रा किया और ये बीम है कॉलम के ऊपर, ये देखें जहाँ पे लाइनें शो कर रही हैं तो ये बीम्स हैं, ये देखें डॉटेड लाइन्स हैं इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे बीम्स हैं, तो इसके अंदर भी मशीन यहाँ पे होंगी। और जहाँ पे ये ओपन एरिया है यहाँ पे, चूँकि बड़ी वाली मशीन होगी तो ये नीचे से ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक जा रही होगी, इसलिए जहाँ इतना एरिया है इसको ओपन रखा गया है 31 फिट। ठीक है, इधर भी, और जहाँ इसके साथ ही स्टेयर भी रख दी। और यहाँ पे आ गया, इसके बाद ऊपर आ गया सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे उन्होंने ये डस्ट रूम बनाया है। ठीक है, ये भी इसी लाइन के साथ सीधा है, लेकिन यहाँ के ऊपर यहाँ पे जाके, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे तो इसका दरवाज़ा दूसरी साइड पे है उस तरफ से, और ये बाकी विंडोज हवा के लिए। इस तरीके से हम इसके ऊपर डस्ट रूम बना लेंगे और ये हमारा सेकंड फ्लोर पे आ जाएगा। तो इस तरह हमारा ये जो है सारा प्लान जो है इसका मुकम्मल हुआ, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर। तो यहाँ पे हम इसकी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एलिवेशन और सेक्शन वगैरह डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर चैनल। अल्लाह हाफिज़।